महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देमो जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देमो जिंदाबाद, प्रोफेसर राम गोपाल यादव केशव देमो जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव केशव देमो जिंदाबाद। महान दल ने उठाना है, महान दल ने उठाना है, महान दल ने उठाना है, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देमो जिंदाबाद, प्रोफेसर राम गोपाल यादव केशव देमो जिंदाबाद, प्रोफेसर राम गोपाल यादव केशव देमो जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव केशव देमो जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देमो जिंदाबाद। महान दल ने उठाना है, महान दल ने उठाना है, महान दल ने उठाना है, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देमो जिंदाबाद, प्रोफेसर राम गोपाल यादव केशव देमो जिंदाबाद, प्रोफेसर राम गोपाल यादव केशव देमो जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव केशव देमो जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देमो जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देमो जिंदाबाद। महान दल ने उठाना है, महान दल ने उठाना है, महान दल ने उठाना है, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देमो जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देमो जिंदाबाद, प्रोफेसर राम गोपाल यादव केशव देमो जिंदाबाद, प्रोफेसर राम गोपाल यादव केशव देमो जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देमो जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महान दल ने उठाना है, पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे। ये समाजवादी पार्टी की राजधानी सैफई है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी महान दल की जन जन आक्रोश यात्रा है, उसके समापन हेतु यहाँ पर पूरी ताकत के साथ महान दल ने उठाना है, महान दल ने उठाना है, अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बड़ी माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत, श्री पदम सिंह सैनी जी, सचिव मांडल श्री सभाजीत मौर्य जी, सचिव महानदल श्री शिवकुमार यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष महानदल श्री रामानंद सैनी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पार्थनाथ मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुनेश सिंह जी, प्रदेश महासचिव श्री जेपी मौर्य जी, श्री सर्वेश शास्त्री जी, श्री राजेश मौर्य जी, श्री रामेंद्र शास्त्री, शैलेंद्र मौर्य जी, विष्णु कुशवा जी, सभी साथी महान दल समाजवादी पार्टी के दोनों हाथ उठाकर पूरी ताकत के साथ महान दल ने उठाना है, महान दल ने उठाना है, अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, महान दल ने उठाना है,
महान दल्ले खाना है, महान दल्ले खाना है। भरीमाला के साथ संतोष आदमी, सुरजन सिंह उजानी, मोहित साहब प्रेम कृष्ण, सीताराम साहब भाईपुरा, अशोक साहब तिनेऊ, विशाल साहब गुलारी, पुतुपुरा कलेश साहब के गांव, यश साहब गोदोपुर, भारत सिंह साहब मेरा सचिव और कृष्णपाल राम देव साहब की सभी मुखिया जी का स्वागत करेंगे सभी लोग। महोदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महोदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष, योजन सभा के अध्यक्ष संडू भाई साहब व सभी योजन सभा के अध्यक्ष लोग साहब का स्वागत करेंगे बड़ी माला से। भाई वही जानते उनको पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ युवांगाई महान दल समाजवादी पार्टी, महान दल ने खाना है, महान दल ने खाना है। अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महोदय समाजवादी पार्टी। सब लोग एक साथ खड़े होकर जो भी पंडाल में बैठे हुए हैं महोदय समाजवादी पार्टी के समर्थकों, एक बार सभी खड़े होकर अतिथियों का हाथ उठाकर सब नारा लगाएंगे। जितने भी साथी हैं यहाँ पर पूरी ताकत के साथ ये नारा लगे इस उत्तर प्रदेश की सरकार को, महोदय ने खाना है, सरकार बनाना है, महोदय ने खाना है। अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, महोदय समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महोदय समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद। महोदय ने खाना है, महान दल ने खाना है, महान दल ने खाना है। सभी लोग अपना अपना स्थान गढ़ कर लें, अतिथियों का आगमन हो चुका है, यथा स्थान बैठ जाएं और झंडे को नीचे कर इन मीडिया कर्मचारी लोगों को स्थान दें। ये जन सैलाब महान दल समाजवादी पार्टी की जन आक्रोश यात्रा जो आज सैफई में समापन हेतु, मेरा सभी समाजवादी पार्टी और महान दल के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि ये सामने जो लोग खड़े हुए हैं, आप लोग बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं और बहुत सम्मानित भी हैं, बैठ जाइए, खड़े रहो, पीछे बैठे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार, बैठ 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 जाओ, बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाए, बैठ जाइए, आगे जो लोग खड़े हुए वो बैठ जाएं, ए बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ, ए बर्मन बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, इधर ये हमारे बसरे क्षेत्र में जो साथी आए हुए हैं, बैठ जाइए, बैठ जाओ, इधर ये बर्तना क्षेत्र के जो साथी आए हुए, बैठ जाइए, ए बैठ जा यार। और जो लोग जो मंच पर इतनी ज्यादा भीड़ आ गई है, मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि मंच पर भीड़ न करें, मंच को खाली कर दें। और समाजवादी पार्टी के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि अगर महान दल का कोई नेता है और खड़ा हुआ है तो उसको जगह दे दें, अपनी जगह हमारे महान दल के साथियों को दे दें। मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि अगर वो महान दल के किसी साथी को खड़ा हुआ देखे तो अपनी जगह उसको दे दे। सभी साथी
एक बार जन आक्रोश यात्रा जो महानदल समाजवादी पार्टी की पीलीभीत से चलकर बरेली से बधाइयों और बधाइयों से कासगंज का कृष्णा एटा और आज इस समाजवादी पार्टी की राजधानी सैफई में इसका समापन होने जा रहा है। इस प्रथम चरण यात्रा में महानदल के राष्ट्रीय आदरणीय केशव देव मौर्य जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के जन आक्रोश यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा। तो पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, महानदल ने ठाना है। मजा नहीं आया, गर्मी दे दो, इस सैफई के इस महानदल ने ठाना है। पूरी ताकत से और आवाज आनी चाहिए, महानदल ने ठाना है, महानदल ने ठाना है। अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के शब्द मोर जिंदाबाद, महानंदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महानंदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, महानंदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, पहले तो आप मंच से पीछे हट जाएं, यहाँ होगा यहाँ से पीछे हट जाएं, तो हम पीछे बहुत जल्दी हटिए आप पीछे हटा। और इसी के साथ मैं इटावा लोकसभा के पूर्व सांसद बड़े भाई राम सिंह साक जी से निवेदन करेंगे, वो आए और अपने विचार रखें। बड़े भाई राम सिंह साख जी पीछे, महान दल के सभी साथी बैठ जाएं, अनुशासन बनाए रखें, सभी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी लोग बैठ जाएं, जो जहां पर है वहां बैठ जाएं, महान दल समाजवादी पार्टी के सभी साथी। आज की इस समापन सारे लोग चाहते थे, जो हमारे लोग ये चाहते थे कि हमारा ही जो लूट हो रही है, हमारा जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर के ये लड़ाई लड़ें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रैली पहली रैली नहीं है, इससे पहले कोई केशव जी को बताना चाहूंगा, आपने जब महान दल बनाया था तो पहली रैली इटावा में हम लोगों के बीच में की थी, ये दूसरी रैली है महान दल की। साथियों, मैं अधिक में कह करके आप लोगों से यही कहूंगा कि ये गठबंधन जो बना है इसको बहुत मजबूती देना, जब तक महान दल और समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में न बन जाए तब तक पूरी लड़ाई जन जन तक पहुंचाने का काम करना। मैं महान दल के उन कार्यकर्ताओं की तारीफ करूंगा कि जब भी मैं देखता हूं कार्यकर्ता हर गांव में महान दल जिंदाबाद, जहां कहीं जाओ तो वहां ये लिखा मिलता है। ये जो लगन और मेहनत का काम है ये आप लोगों ने किया, इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः जितने भी हमारे महान दल के साथी आए हैं, समाजवादी पार्टी के साथी आए हैं, उनको बहुत बधाई देता हुआ और माननीय मौर्य जी का हृदय से स्वागत करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय महान, जय समाजवादी पार्टी, जय हिंद, जय धन्यवाद। महानंदल ने ठाना है, अखिलेश यादव के सौदे मोर जिंदाबाद, महानंदल समाजवादी।
प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई अफसर जी से निवेदन करूंगा, वो आए और समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में समाजवादी पार्टी के गायक भाई अफसर जी आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इनाम जाते नहीं कर जाते तो स्पेशल नजर है आप समक्ष ये गीत, जिसके राइटर जनाब अशोक यादव जी, पूर्व राज्य मंत्री, और जिसको आवाज मैंने दी है। तो मैं चाहूंगा निशांत जी स्टार्ट करें, और हमारे बीच मंच पर बैठे हुए अंशुल भैया जी, प्रेमदास जी, कार्तिक जी, और सम्मानित मंच। आप लीजिए मेरे साथ गाना। अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, आगे कर दो अपने यूपी को फिर से आबाद, आगे कर दो अपने यूपी को फिर से आबाद। अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। मुलायम सिंह के पदचिन्हों पे चलना है, राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों में ढलना है, धरती पुत्र मुलायम सिंह के पदचिन्हों पे चलना है, पदचिन्हों पे चलना है। उगती आंधी बन के निकलो तुम में है फौलाद, उगती आंधी बन के निकलो तुम में है फौलाद। अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। खुशहाली आएंगे व्यापारी मजदूर किसानों की सरकार बनाएंगे, उजड़े हुए चमन में हम फिर से खुशहाली लाएंगे, हाँ खुशहाली लाएंगे। दवा पढ़ाई मुफ्त मिलेगी सस्ती होगी खाद, दवा पढ़ाई मुफ्त मिलेगी सस्ती होगी खाद। अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। Thank you.
सीधा होगा जनता का संवाद, ऐसे फिर सीधा होगा जनता का संवाद। अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। सबका साथ निभाएंगे, अपराधों को खत्म करेंगे, शांति मार्ग अपनाएंगे, जाति धर्म से ऊपर उठ के सबका साथ निभाएंगे, सबका साथ निभाएंगे, लड़के मिटा देंगे यूपी से हम खूनी उन्माद, लड़के मिटा देंगे यूपी से हम खूनी उन्माद। जिंदाबाद जाओ ना मेरे साथ, जिंदाबाद अखिलेश, जिंदाबाद अखिलेश, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। महान युवा उठाना है, अखिलेश यादव के सौदों पर जिंदाबाद। सभी अरे तुम लोग यहाँ देखते नहीं हो, कई बार कह चुके हैं। अरे 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 इधर गिर जाएगी भाई। ऑपरेटर जी, हमारे साथियों, हमारे जो साथी बोलने के लिए रह गए हैं उनसे मैं माफी मांगता हूं, और इसी के साथ हमारे अजीज नेता सांसद जी भाई धर्मेंद्र यादव जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और हम सब लोगों को आशीष वचन दें। भाई धर्मेंद्र यादव जी, इस जनाक्रोश यात्रा के समापन समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रोफेसर साहब, इस यात्रा के नायक और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय केशव देव जी, मंचासीन इटावा के पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी, पूर्व सांसद इटावा आदरणीय प्रेमदास जी, मैनपुरी से पूर्व सांसद श्री तेज प्रताप जी, इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल जी, मंचासीन समाजवादी पार्टी और महान दल के सभी हमारे सम्मानित नेतागण, प्रदेश के कोने कोने से पधारे हमारे महान दल के कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर आदरणीय नेताजी की जन्मभूमि कर्म भूमि पर, माननीय अखिलेश जी की जन्म और कर्म भूमि पर, मैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई केशव देव मौर्य जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आर्य केशव देव जी से हमारे व्यक्तिगत तौर पे बहुत पुराने रिश्ते हैं, और रिश्तों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं राजनीतिक नियत से बहुत सारे गठबंधन हमने देखे हैं, लेकिन भाई केशव देव जी ने जो गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी से, वो इतना दिल से किया है कि ऐसा दिलों का गठबंधन मैंने कोई दूसरा नहीं देखा जो केशव जी ने समाजवादी पार्टी से किया है।
और जिस निस्वार्थ भाव के साथ उन्होंने नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार लानी है, समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है, मैं उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साथी की ओर से भाई केशव देव और महान दल के सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, ये गठबंधन कोई मामूली गठबंधन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हम पिछड़ों को ठगने का काम करती है। मुझे एहसास है, आदरणीय प्रोफेसर साहब गवाह हैं इस बात के, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक, सदन के से लेकर सड़कों तक, जिस तरह से समाजवादियों ने पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ी, जिस तरह से समाजवादियों ने संघर्ष किया, ये बीजेपी के लोगों ने समाजवादियों की तमाम लड़ाई के बावजूद पिछड़ों के साथ जितना संभव था उतना कुठाराघात करने का काम किया है। इसलिए आज जो पिछड़ों की ताकत इकट्ठी हुई है, इस ताकत की बुनियाद पर मुझे यकीन है कि आने वाले 2022 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर माननीय अखिलेश यादव जी बैठेंगे। और जब अखिलेश यादव जी बैठेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़ों की जाति जनगणना से लेकर किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कोरोना के जो दुर्दशा पूरे देश ने इस प्रदेश ने देखी है, इन तमाम समस्याओं से निजात हमारे प्रदेश को तभी मिलेगा जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर माननीय अखिलेश यादव जी एक बार फिर बैठेंगे। और जब माननीय अखिलेश जी बैठेंगे तो हमें यकीन है जिस तरह से सैफई गांव में मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में स्वास्थ्य की सेवाओं से लेकर एक्सप्रेसवे से लेकर एम्बुलेंस से लेकर लैपटॉप से लेकर हमारी माताओं बहनों को जो समाजवादी पेंशन मिली है, किसानों को जो मुफ्त सिंचाई मिली है, गरीबों को जो मुफ्त दवाई मिली है, एक बार फिर माननीय अखिलेश जी के राज में उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधाएं मिलने का काम होगा। इसलिए इस मौके पर हमारे नेतागण बैठे हैं, हम ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय नेताजी माननीय अखिलेश जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब की इस सरजमी पर एक बार फिर भाई केशव देव मौर्य और महान दल के तमाम साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। महान दल ठहरा है। सभी झंडे नीचे रख लीजिए, क्यों लाइव चल रहा है, थोड़ा सा झंडे नीचे कर लीजिए। और इसी के साथ जब भारत की संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर साहब, तो हर किसान अपनी बात, किसान सोचता है कि मेरी बात होगी, छात्र सोचता है मेरी बात होगी, महिलाएं सोचती हैं मेरी बात करेंगे, मेरी रक्षा की बात करेंगे। ऐसे माननीय प्रोफेसर साहब को मैं आमंत्रित करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, शांत हो जाएं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी से मैं निवेदन करूंगा, वो आए और हम सब लोगों को आशीष वचन दें तथा दिशा निर्देश दें। थोड़ा थोड़ा पीछे हटो। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी, महान दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार यादव जी, महान दल के सचिव श्री बदम सिंह सैनी जी, श्री सभाजीत मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रामनंद सैनी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पारसनाथ मौर्य जी, प्रदेश महासचिव श्री सुनील सिंह जी,
प्रदेश महासचिव श्री जेपी मौर्य जी, प्रदेश महासचिव श्री सर्वेश साक्षी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री राजेश मौर्य जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री रामेंद्र साक्षी जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विष्णु कुशवाहा जी और हमारे बीच में बैठे इटावा के पूर्व सांसद श्री राम सिंह साक्षी जी, श्री प्रेमदास कठेरिया जी, श्री धर्मेंद्र यादव जी, इटावा के जिलाध्यक्ष श्री गोपाल जी और ये हमारे बहुत नेता है, पूर्व सांसद मैनपुरी के लोकप्रिय सांसद रहे श्री तेज प्रताप यादव जी, मैनपुरी के विधायक श्री राजकुमार जी, पूर्व मंत्री श्री आलोक साक्षी जी, किसनी के विधायक श्री कठेरिया जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री गोपाल जी, इटावा जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अंशुल जी और यहाँ उपस्थित महान दल और समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आपके मुख्य अतिथि को जो इस यात्रा के जिनको कहें कि जो रण के दूल्हा हैं मौर्य जी, उनको बोलना है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आज सैफई में आदरणीय मौर्य जी का और उनके सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं महान दल के बड़े पैमाने पाए हुए कार्यकर्ताओं का भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने सैफई की इस ज़मीन पर आकर समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक निश्चय किया है और निश्चय करके ही यहाँ आए। आप जानते हैं कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम है वो तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन इस नाम की महत्ता क्या है ये भी जान लीजिए। एक वक्त था जब कभी लोगों पर संकट आया, केशव को पुकारा और केशव आए। चाहे तीर हरण के वक्त द्रौपदी ने पुकारा हो तो आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो सिर्फ केशव ही कहती रही और उनकी लाज बचाने का काम केशव ने किया। जब जब अर्जुन पर संकट आया केशव को याद किया और उसका परिणाम आप सब जानते हैं। आज भी ऐसी स्थिति है, आज भी तीर हरण हो रहे हैं, आज भी अन्याय हो रहे हैं और ऐसे अन्याय हो रहे हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की हो। किसी भी भले आदमी के खिलाफ कभी मुकदमा लिख सकता है, कभी भी कोई आदमी जेल में डाला जा सकता है, सरकार के खिलाफ बयान दिया तो देशद्रोह का मुकदमा कायम हो सकता है। तो यह अन्याय की पराकाष्ठा है और इस अन्याय को खत्म करने के लिए ही श्री केशव देव मौर्य जी ने अखिलेश यादव का समर्थन करने और उनको अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया है। ये जो महान दल है इसके कार्यकर्ताओं को अपना पुराना इतिहास याद रखना चाहिए कि कैसे कौन कौन लोग हैं जो आपको मिटाने का काम करते आ रहे हैं और किया है अतीत में। हम सब ने पढ़ा होगा कि एक वक्त था जब इस देश में धर्म के नाम पर अत्याचार, अनाचार और तमाम तरह के अंधविश्वास पनप रहे थे, फैल रहे थे। उस वक्त भगवान बुद्ध ने अवतार लेकर उन सारे अनाचारों को खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना की, लेकिन तभी कुछ लोगों को ये लगा करे इससे तो हमारा रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो आदि शंकर उनके शंकराचार्यों ने
बौद्ध स्तूपों को तोड़ने का काम शुरू किया और बौद्ध धर्म को खत्म करने का काम किया। एक किताब मैंने पढ़ी थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं पांडे जी, विशंबर नाथ पांडे, और उड़ीसा के गवर्नर भी रहे, बहुत काबिल आदमी। उनकी एक पुस्तक थी, उसमें लिखा याद शंकर के माध्यम से जितने स्तूप तोड़े गए उसका 1/100 हिस्सा भी औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़वाए, जिसकी चर्चा होती। इतना ज्यादा नुकसान किया। आप देखें सारनाथ में चले जाइए, टूटे हुए से दिखते हैं कि नहीं, जो गए हो जानते हो, महानदल के लोग और लोग भी। तो मौर्य जी, सारनाथ में अब भी टूटे हुए अवशेष दिखाई पड़ते हैं, किन लोगों ने तोड़े थे। वे लोग अब धीरे धीरे इस सारी व्यवस्था पर कब्जा करके जो समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उन सबके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनको छीन रहे हैं। उनका जो वाजिब हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है। आप देख रहे होंगे सब कुछ बेचा जा रहा है। ये लोग, तमाम लोग नहीं जानते हैं कि जो अभी बेचने की देश की वित्त मंत्री ने घोषणा की है, मोनेटाइजेशन की, वो कोई मामूली चीज नहीं है। इन सड़कों को भी बेचा जा रहा है। अभी गाड़ी लेके चलते हो तो रोड टैक्स जो लगता है, जब निजी हाथों में पहुंच जाएगी तो रोड टैक्स चलेगा, तो आप 10 बार सोचोगे कि गाड़ी खरीदें कि न खरीदें। ये जो सबके हाथ में स्मार्टफोन है, ये अभी बहुत सस्ते हैं, इनकी लाइनें भी बेच रहे हैं, कई लाख करोड़ इससे भी ले रहे हैं। और जब निजी हाथों में ये सब चली जाएंगी लाइनें, क्योंकि जो कुछ आप बात करते हैं वो वेव्स के माध्यम से इन्हीं लाइनों से जाती, ये टावर हैं, ये तरंगे पकड़ती हैं और जो वेव्स हैं उनके माध्यम से दूसरी जगह भेजती, ये भी बेची जा रहे हैं। एक आध महीने में सब निजी हाथों में चली जाएगी। रेल बेची जा रही, अभी तो आप रेल में जाएंगे, अभी सबसे सस्ता यही था, पैसा नहीं होता तो बिना टिकट चले जाते लोग, साधु संत गरीब लोग बिना टिकट चले जाते थे, कोई पूछता नहीं था, कहते चलो गरीब आदमी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। रेलवे के बाद टॉयलेट में जाएंगे तो उसका भी पैसा अलग से लगेगा, प्लेटफॉर्म तो अभी 25 रुपए का टिकट हो गया। तो ये सब इतना धांधली हो रही है कि सारी संपत्ति देश की बेचकर 4-5 लोगों के हाथ में सौंपी जा रही है, और कह रहे हैं कि जो हमारे बजट का घाटा है उसका पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो बजट का घाटा तो अगली साल भी होगा, उसके बाद भी होगा, तब किसे बेचेंगे, तब कुछ बचेगा ही नहीं बेचे। मैंने बीजेपी के लोगों से कहा कि जब सब बेच रहे तो राज्य किस में करोगे, और हमारे जो बड़े पैमाने में रेलवे से लेकर सारे विभागों में नौकरियां मिलती थी, उसमें संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था थी, निजी हाथों में जाने के बाद सारा आरक्षण खत्म, कोई आरक्षण नहीं। और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में ये तो अन्याय का, यहाँ की सरकार जो है अन्याय का एक पर्यायवाची शब्द हो गया। जिधर नजर उठाइए, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे छात्र हों, चाहे बेरोजगार लोग, अगर कोई मांग करने चला जाए तो लाठीचार्ज हो जाता है। अगर आप सड़क पर भी शांतमय तरीके से कहें कि हम साइकिल यात्रा करेंगे तो पैंडेमिक अधिनियम के तहत मुकदमा कायम हो सकता है आज हम लोगों के खिलाफ भी हो जाए। ये करते रहें तो कुछ नहीं, लेकिन विपक्ष करे तो है। तो जब इस सीमा तक कदम कदम पर नाइंसाफी हो रही है, जातियां हो रही हैं, पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को सताया जा रहा है, उनका हक छीने जा रहा है, तो लोगों को सड़क पर आना ही होगा और ऐसी सरकार को हटाने के लिए निश्चय करना ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और भविष्य जो है ठीक हो तो इस सरकार को हटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना देश भुखमरी की स्थिति में तो है ही और बुरी हालत में पहुंचने वाला है। अभी देखा कोरोना काल में, अभी देखा कि कोरोना काल में कितने लोग
मर गए बिना ऑक्सीजन के, यानी हवा नहीं दे पाए ये और लोग मर गए, कहते एक भी नहीं मरा। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है 23,000 लोग मरे। मैंने भारत सरकार के जो वो भारत समाचार के मालिक हैं ब्रजेश मिश्रा, उनसे पूछा कि आपके लोग हर गांव में गए, लगभग 300 लोग बहुत सारे गांव में गए और एक एक जो मरने वालों की सूची आपने संख्या अपने टीवी बताई, तो आपके अनुसार कितने लोग मरे होंगे? तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से लगभग 15 से 17 लाख लोग मरे और गवर्नमेंट कह रही 23,000 मरे। जितने यहाँ इटावा मरे हैं किसी को दिखाया गया कोरोना से मरे? किसी को नहीं, किसी कह दिया हार्ट फेल हो गया, किसी कह दिया और कुछ हो गया, कुछ ना कुछ दूसरी बीमारी बता दी, क्योंकि कोरोना ऊपर से आदेश थे। ऊपर से मेरी लोगों से बात हुई, बोले साहब क्या बताएं, डीएम कह रहे ऊपर से आदेश है, कोरोना मत दिखाइए। तो जब इतनी जुल्मी और निर्दयी सरकार हो तो ये कब तक रहे? इसको तो हटाना ही पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केशव देव मौर्य जी को, उन्होंने ऐसे वक्त में अपने नाम को सार्थक करने का काम किया है और मुझे उम्मीद है कि ये मुहिम और चलेगी आगे और प्रदेश से ये बीजेपी की जो जालिम सरकार है वो चली जाएगी, और ये चली जाएगी तो 24 में आप समझते हो क्या होने पर? तो बताओ हटाओगे सब लोग गांव गांव जाके? मैं बाद में सोचो कि जी हमारी जात का आ गया हो, जो हमारे इलाके का आ गया, ये बाहर का है, ये अंदर का है, ये मत चलिए। जब कानून खराब बनता है तो सबको रोनता चला जाता है। उस खराबी को समाप्त करने के लिए जिसको ये गठबंधन टिकट दे उसको जिताओगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप। महान नंगे ठाना है। अखिलेश यादव के सौदे मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सौदे मोर जिंदाबाद।